हाँ तो शुरू हो जा सविता, वो सारी बात जो हमारे बीच हुई थी इन सबके सामने करते हैं। हाँ तो सविता, क्या तने खुद की औलाद चाहिए? क्या अपना किया हुआ वादा तू तोड़ देना चाहती है? हाँ जी, बात सच है कि मेरी डॉक्टर सहेली आज यहाँ आई थी, पर आप सब मेरी बात का यकीन करो, मैंने उनसे यही कहा था कि लाडो लाडो मेरी बेटी जैसी है, मुझे अपनी औलाद करने की कोई जरूरत ना है। हाँ क्या, औलाद करने की? अपनी औलाद करने की कोई जरूरत ना है। सुन लिया ना, अब मारी एक बात अपने खोपड़े में अच्छे से डाल लो, मुन्नी हमारी बेटी है और जिंदगी भर वो ही रहेगी, और यही सच्चाई है। और जिस किसी ने भी सच्चाई बदलने की कोशिश करी उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। मैंने क्या कर दिया ये बात मेरे दिमाग से जा क्यों नहीं रही है? बिना कुछ सोचे समझे बिट्टू को कितना भला बुरा कह दिया, कितनी बुरी हूं मैं। काश मैं बिट्टू से अभी मिल पाती। कल मिलकर मुझे उसे अपनी दिल की सारी बातें बतानी है। हाय, चलो आग ना सही, इस गलतफहमी के दिल में हल्की चिंगारी तो उठ रखी है, पर असल बात करने के लिए। हाँ बिट्टू, बात करनी है तुमसे, मिलना है तुमसे, और तुमसे ये भी कहना है कि आइंदा से मैं तुमसे कभी बदतमीजी से बात नहीं करूंगी। तो बस अब जल्दी से सुबह हो जाए और मैं तुमसे मिलूंगी और ये सब बातें करूंगी। खुश हूँ कोई हमारी बात तो करता है, किसी भी बहाने सही तुम वक्त याद तो करता है। तो ठीक है मिस गर्ल्सफैमी, अब तूने हमारे से मिलने की अपॉइंटमेंट ले ही रखी है, तो मैं भी कल के इंतजार में इसी खंबे पे लटके लटके पूरी रात गुजार दूंगा। जाना, मुझे नहीं जाना। ओहो कितनी बोरिंग है तू, तुझे अपनी शादी की कोई एक्साइटमेंट नहीं है? पता है बाहर कितना सुंदर डेकोरेशन है, चलना चलना। हाँ ये सब कुछ तेरे
और तेरे उस डॉक्टर के लिए है। क्या हुआ ज्योति, तू खुश नहीं दिख रही? सब कुछ तेरे हिसाब से ही हो रहा है ना? फिर मुन्नी, मेरे पाऊजी पाऊजी नहीं होंगे तो कैसे खुशी खुशी शादी कर लूंगी? और तू तो जानती है ना मुन्नी, माँ के बाद पाऊजी मेरे लिए सब ले। बस इतनी सी बात? तू चाहती है कि ताऊजी तेरी शादी में रहे? अच्छा ठीक है, चल मुन्नी। अच्छा तो ज्योति को शादी का तोहफा चाहिए? हाँ बाऊजी, लेकिन आपको एक प्रॉमिस करना पड़ेगा कि ज्योति आपसे जो भी विश मांगेगी आप उसे देंगे। अच्छा ठीक है, पहले बता तो सही चाहिए कि? बाऊजी ज्योति तो आपसे नहीं बोल पाएगी, मैं ही बोल देती हूँ। आप ताऊजी को शादी में ले आइए। बाऊजी आपने प्रॉमिस किया कि ज्योति आपसे जो भी विश मांगेगी आप पूरी करेंगे, प्लीज बाऊजी, प्लीज 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 प्लीज। हाँ हाँ मुन्नी, हाँ मगर ताऊजी तो शहर से बाहर गए हुए हैं, तू चिंता मत कर, मैं शादी से पहले ले आऊंगा। बाहर गए हैं ना? हाँ बाहर गए हैं ताऊजी, बस थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है बाबूजी, देखा मैंने कहा था ना बाबूजी तेरी विश चुटकी में पूरी कर देंगे। जल्दी से तैयार भी होना है, डॉक्टर से मिलने भी जाना है ना। चल भाई साहब, क्या किया आपने? कैसे करोगे ज्योति की विश पूरी? अब ताऊ ने कहां से प्रकट करोगे? आपने मुन्नी से वादा क्यों किया? वादा तो मैंने ये भी करा था कि शादी नहीं होगी, नहीं होगी ना। देखिए एक बात भीम अपनी बैल बुंती में डाल ले कि जिंदगी में सारे के सारे वादे पूरे करने के लिए ना किए जाते हैं। हरी बात कान के रास्ते खोपड़ी में बैठा ले अच्छी तरह, जैसे ही वो यहाँ आए बाहर वो फूल बरसाओ वाली लाइन के तुरंत बाद फूल बरसने चाहिए। हैं? वैसे मैं सारा कर दूंगा लेकिन ध्यान देना, और फूल सारे फ्रेश होने चाहिए, खुशबूदार एकदम। चल काम पे लग जा। अरे खसम के कर रहा है, नीचे उतर। ये बिट्टू कितना भला इंसान है ना यार मोंटी, और उसका परिवार भी। ये लोग मोजानाथ के लिए ये लोग कितना कुछ कर रहे हैं जिसे कुछ दिन पहले जानते तक नहीं थे। हम भले लोग तो हैं ही, पर ये जो सब खाली तैयारी कर रहा है ना बिट्टू, ये सब उसकी पर्सनल सेटिंग के लिए है। ये सब फूल वूल तब बरसाएंगे जब उसकी महबूबा आएगी। अरे यार अब तू मुझे ये मत पूछना कि उसकी महबूबा कौन है, और वैसे भी एक साली लात पिलर पे लटक के आया है, तू उसको पागल होने दे, शादी तो तेली है, चल तैयार हो जा। अरे क्यों हो गया, हेमा मालिनी यहाँ क्यों खड़ी है? नहीं कुछ भी ना, तू इतनी मेहनत कर रहे हैं तो मैंने सोचा कि आपने लाडले की सुध ले लियो, खड़ी चौक की तैयारी कर रखी है बिट्टू तने। सही में? पक्की बात है ना कि इसी डॉक्टर की शादी की तैयारियां कर रहा है? नहीं कितने अपनी बारात के सपने ना सजाने लग जाए तो। कैसी बातें कर रही है तू, नारी बारात की तैयारी तो तने ही करनी है अपने हाथों से। हाँ हाँ बिल्कुल, तुम्हारे लिए छोरी भी तो मन नहीं पसंद करनी है ना? के याद है कि ना? हाँ ये जो बात छेड़ी है तो एक बात बता दूं, मैंने तारे लिए लुगाई ढूंढ ली।
अच्छा माँ वो मैं क्या सोच रहा था कि ये मैंने जो सोच रखी है वो हमारे लिए जो मुन्नी तने मुन्नी को पसंद किया कैसी रहेगी बोल कमाल ही कर दिया तू एकदम मतलब कमाल हो गया तारी को सी देख कर लग रहा है मन्ने कि आपने दोनों आके पसंद एक ही से वैसे वो मुन्नी को देखते ही ना मारे मन में भी यह बात आई थी कि वो छोरी तुम्हारे मारे बिट्टू की टक्कर की है बोल कोई एतराज तो ना है मारी पसंद पर अच्छा बिना कहे सब समझ गई तू और हमारे से पूछ रही है अरे मन्ने के एतराज होगा पर तूने तो कसम खाई थी ना बताने की पर मैं भी थारी माँ हूँ तू लाख छुपाए तारा चेहरा देख कर ही समझ गई थी कोई न्यारा ही बुखार चढ़ रखे हमारे छोरे ने चल कोई नहीं आज आवेंगे ना वो लोग तो बात करूंगी बड़े ठाकुर से तेरे और मुन्नी के रिश्ते की बात छेड़ूंगी छेड़ू ना मारी वो मार ली ठहर जा इतनी पास रिश्ता कराएगी क्या पर हाँ मैं भी कह देता हूँ जो उन लोगों ने ना कहा तो ये रलाने जंग होगी बेटा प्यार तो अपने में ही एक जंग हो वैसे अच्छा एक बात बता यो आग दोनों तरफा बराबर की लगी हुई है मतलब कि वो मुन्नी वो भी तारे थे इतना ही प्यार करती है के? अब सच कहूं तो मैंने बेरा ना है मतलब हमारी जान बचाने के लिए अपने पे गोली तो ले ली उसने पर अस्पताल में जो बातें हुई कुछ अजीब थी लेकिन कल रात वो कुछ और ही कहने लगी थी कल रात ने के ओ गया था मैं मिलने मतलब बस देखने इसका मतलब तारी स्टोरी में मारदार दुश्मनी तो घनी है कमी है तो जज्बात तो की जिससे मुन्नी तारे ते प्यार करन लग जाए मारी एक बात सुन ये भी वो बात किसी से ना कहना नजर लग जाती है ना और इसी मौके का फायदा उठा के मुन्नी के दिल में अपने अपने लिए प्यार जगा क्योंकि बेटा जब तक प्यार में जज्बातों की लाकड़ी ना डलती ना तब तक प्यार का चूल्हा ही ना जले आई बात समझ में बाकी का सब कुछ तुम्हारे पे छोड़ दे मैं बात करूंगी ना बड़े ठाकुर थे तो किसी लगी मारी प्लानिंग एकदम कड़क बिट्टू अरे मास्टर सच बताऊं ये डिस्कशन छोड़ के जाने का मन ना कर रहा मेरा पर क्या करूं मास्टर भी तो अपना ही है सुन के आता हूं बाबूजी आया
माफ कर दे बिट्टू। हर बेटे को पाठ पढ़ाने का माँ का अपना ही तरीका हुए है। साथ तो मैं तेरा पूरा दूंगी, पर इस मुन्नी ने तारी जिंदगी से दूर भेजन में updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.